फैमिली मैन भैया डोमिनिक टोरेटो की फास्ट एक्स मूवी थिएटर्स में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कि कैसी थी ये मूवी, मुझे कैसी लगी और आपको कैसी लग सकती है। तो सबसे पहले छोटे मैं इसकी स्टोरी बता दूं, तो हमारे फैमिली मैन डोमिनिक टोरेटो भैया अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं चलती क्योंकि उनका एक पुराना विलन उनसे बदला लेने आ जाता है। मतलब कि अगर आपको याद होगा तो फास्ट एंड फ्यूरियस 5 में उन्होंने एक तिजोरी को दो कारों से बांध के एकदम सड़कों पर दौड़ा दिया था। तो उस तिजोरी का जो मालिक था ना, मतलब अपना विलन जो मर गया था, उसका बेटा इस मूवी में आ चुका है बदला लेने। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। और कसम से बदला लेता हुआ लग भी रहा है, कसम से पूरी टीम की कतई वाट लगा के रख दी है। मतलब कि अगर इस मूवी की कोई हाईलाइट है ना, तो अपने जेसन मोमोआ सर हैं। तो खैर इसके रिव्यू के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं कि ये मूवी सिर्फ फास्ट एंड फ्यूरियस के कट्टर फैंस के लिए है। मतलब कि अगर आप नॉर्मल पब्लिक हो या फिर फास्ट एंड फ्यूरियस के नॉर्मल फैन हो तो ये मूवी आपको डिसअपॉइंट कर सकती है, जैसे कि इसने मुझे किया। जी हाँ, मूवी में बहुत सारे फ्लॉज है, मतलब कि बहुत सारे। पहला तो VFX ही है, मतलब कि कुछ कुछ जगह तो VFX एकदम बेकार लग रहे थे और कई कई जगह तो नकली लग रहे थे। और दूसरा पॉइंट है मूवी की स्टोरी, इन्होंने लंबी खींची है भाई, बेल के खींची है। और ये सब किस लिए? एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर बनाने के लिए। मतलब कि भैया फुल्ली इंस्पिरेशन लिया है इन्फिनिटी वॉर से। और साला कैरेक्टर्स का तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था भाई, जो मर रहे हैं वो जिंदा हो रहे हैं, जो जिंदा है वो मरे जा रहे हैं। भैया चल क्या रहा है, क्या बना रहे हो, कुछ तो बताओ। बस बस मेरा हो गया भैया, अब इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसमें अगर मैं ज्यादा लॉजिक ढूंढने गया, क्योंकि इसमें लॉजिक ऑलरेडी है ही नहीं, बहुत सी जगह पे बिल्कुल ही नहीं है। बॉलीवुड को गंदा बोलते हैं साले, हॉलीवुड वाले भी टट्टी फैला रहे हैं। तो अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस के कट्टर फैन है तो आप ये मूवी देख सकते हैं, वरना अगर आप नॉर्मल पब्लिक हो तो मैं कहूंगा अगर आपको इसका आगे का पार्ट देखना है तो ये देखना ही पड़ेगा। तो आंख बंद करो, देखो, खत्म हो जाओ, सो जाओ।